दोस्तों स्वागत है आपका नैना बुटिक में दोस्तों आज की इस वीडियो हम बनाएंगे सेल्फ फ्लाई तो हमने यहाँ पर फलाई पे सिलाई लगा दी है और जो फ्लाई की चौड़ाई ली है वो ली है चार इंच इस तरीके से ठीक है और यहाँ पर अब हमने देखो इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर जिप लगा देंगे इस प्रकार तो आज की वीडियो हम आपको फ्लाई और क्या नाम है बेल्ट चढ़ाना दोनों सिखाने वाले हैं तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ज़िप लगा दी है ज़िप लगाने के बाद में यहाँ जो कट है ना उस कट से हम स्टार्ट करेंगे और सिलाई लगा देंगे इस प्रकार अब एक सिलाई लगाएंगे ऊपर से ठीक है मगर ये ध्यान रखें चैन से बिल्कुल बिल्कुल चिपटा के ना लगाएं हल्की सी हटा के लगाएं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस सिलाई को पूरा करेंगे अब हमने यहाँ सिलाई लगा दी है सिलाई लगाने के बाद जिप इस तरह से खोलेंगे और इसको बिल्कुल सीधा करके कटिंग कर देंगे ठीक है और हम अब चढ़ाएंगे बेल्ट सबसे पहले हमने एक बेल्ट चढ़ा लिया है उसके हिसाब से जितना के निकला है उसके हिसाब से ही हम पीछे निकालेंगे बेल्ट को और जो हमने यहाँ पर कट लगा रखे हैं उन कट पे हम लुप रख देंगे ठीक है तो हर कट पे हमें लुप्स रख देना है एक एक इस प्रकार एक कट्स ये है इस पे भी हम लुप रख देंगे अब दोस्तों यहाँ पर ये जो पैंट है वो है प्लेटो वाली तो इस पे हमें दो लुप लगाना है एक यहाँ पर रखेंगे और एक यहाँ पर रखेंगे ठीक है और सीधी सिलाई लगा देंगे अब इसको बिल्कुल सीधा करके लगाना है अगर थोड़ा सा टेढ़ा भेड़ा कपड़ा है तो आप सिलाई बिल्कुल सीधी लगाएं। तो यहाँ पर हम अपने टिकट पॉकेट को ऊपर कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और अपनी लुप्स पे भी सिलाई लगाएंगे पौन इंच नीचे जाके और फिर इस तरीके से ऊपर को लेके आएंगे फिर सीधा कर लेंगे यानी कि हमें एक ही सिलाई में सब अपने ये पक्का कर देना है यहाँ खूब पक्का कर लेंगे फिर इस तरह से लेके आएंगे अब हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है अब हमें यहाँ पर क्या करना है अपने इस बेल्ट को अटैच करना है और ऊपर से सिलाई लगा देना है तो हमने यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट की ऊपर सिलाई लगाना है मार्जन को अंदर करते रहेंगे इस तरह से और सिलाई लगा देंगे जहाँ तक हमारी क्या नाम है टिकट पॉकेट है वहाँ तक सिलाई लाएंगे और धागा वगैरह कट करने के बाद अब हमारी जो इधर सिलाई रह गई ठीक है इसको भी हम पूरा कर लेंगे जहाँ टिकट पॉकेट है वहाँ से लगाएंगे मगर ये सिलाई हमें बेल्ट की जड़ में लगाना है ये हमने सिलाई लगा ली है सिलाई लगाने के बाद धागा वगैरह कट कर लेंगे देखो यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा दी है अब हमें यहाँ पर अपनी लुप अटैच करना है जितने नीचे आप चाहें उतने नीचे लगा सकते हैं फिलहाल मैं यहाँ पौन इंच नीचे लगा रहा हूँ बेल्ट से तो दोस्तों यहाँ पर हमने बेल्ट से नीचे टाँकी बांध ली है अपनी लुप्पी पी। अब हम ऊपर की सिलाई लगा रहे हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से हम कोने ज़रूर कटिंग करेंगे इससे क्या होता है धागे निकलते हैं अगर आप सीधा कटिंग कर लेंगे तो उससे धागे निकलेंगे सारी लुक के कोने कटिंग कर लेना है और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे इसके भी कटिंग कर लेंगे कोने इस तरह सारे कोने आपको कटिंग कर लेना है इस प्रकार अब सिलाई को बिल्कुल सीधा करके लेके आएंगे। ये यह यहाँ पर हमारा बेल्ट कंप्लीट हो चुका है अब हमें यहाँ पर तैयार करना है अपनी सेल्फ फ्लाई ये यह देखिए यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के संग है चैन को जिप को ऊपर करेंगे इस प्रकार धागा वगैरह जो भी है अंदर काट लें और यहाँ पर आप, आप, आपको यहाँ पर निशान लगाना है चौक से जैसे आपको शेप देना है सेल्फ फ्लाई का वैसे ही आप यहाँ, यहाँ पर ढाल दे दें ठीक है अब यहाँ से कटिंग कर लें इसी हिसाब से ये यह यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है अब इसके नीचे रखेंगे अस्तर देखिए यहाँ पर शेप बिल्कुल सही है अब अस्तर रखेंगे इसके नीचे ठीक है ये वाला और यहाँ पर इस तरह तो से रख के और सिलाई लगा देंगे उसके नीचे जेब है वो एक तरफ कर लेंगे और यहाँ आपको सिलाई लगा देना है फ़लाई को बिल्कुल सीधा करके रखना है आपको ठीक है का ध्यान रखें और यहां से ढाल देने एकदम सिलाई का बढ़िया करके अब इसका यहां पर मार्जिन कटिंग कर लें जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे और इस तरह नीचे तक ले जाएंगे ठीक कम से कम दो ढाई इंच नीचे और यह गोलाई पे मारेंगे कट जिससे सिलाई लगाने में कोई परेशानी ना हो और अच्छा शेव आ जाए तो यहाँ पर इसको इस तरह से पलटेंगे इस प्रकार पलटेंगे और यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे ठीक है यहाँ पर यह सीधा हो चुका है अब इसको जो हम हमारा ये अस्तर है इसको इस तरह से पलट पलटेंगे इस प्रकार और ऊपर से सिलाई लगा देंगे जिससे हमारा अस्तर अटैच हो जाएगा फलाई में इस तरह से तो जब तक आपकी यहाँ सिलाई पूरी हो रही है आप एक काम करें सबसे पहले यहाँ पर जो एक ब्लैक कलर का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है प्लीज़ उसे लाइक कर दें उसको क्लिक ज़रूर करें आप उसको क्लिक कर देंगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो तो यहाँ पर सिलाई लगाएंगे नीचे तक तो यहां पर ये सिलाई लगा ली है ठीक है आप देख सकते हैं यहां बिल्कुल फिनिशिंग के संग सिलाई है अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसको यहां पर एक कट मारेंगे ठीक है यहां पर मारेंगे कट और यहां से इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को अब इसको हम पलट लेंगे इस तरह देखिए यहाँ ये यह पलट चुका है इस प्रकार पलट के यहाँ पर हल्का सा कट और लगा देते हैं इससे और अंदर कोमारी फुलाई का स्तर चला जाए इस प्रकार अब हम ऊपर से लगा देंगे सिलाई इसी सिलाई के ऊपर लगाना है जो हमने ज़िप लगाते टाइम लगाई थी उसी के ऊपर लगाना है आपको इस तरह से चेक कर लें पीछे की साइड से एक बार जिप ऊपर कर लें और फिर सिलाई लगाना शुरू करें और इसको यहाँ पर फोल्ड कर दें इस तरह से तो यहाँ पर देखो सिलाई लग चुकी है अब आप पीछे की साइड से इस तरह अस्तर की बना दें नोक ठीक है इस तरह अगर हाई लगा दें इसके अंदर उसके बाद करें वरना हाई ऊपर आ जाएगी की। तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग का संग बनी है आपको अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चलिए दोस्तों मिलता हूँ